जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वंड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज मैं ये रीडिंग जो कर रही हूँ ये है पिक अ कार्ड रीडिंग और ये मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स का। तो नया साल शुरू हो गया है तो चलिए देखते हैं 2021 में यूनिवर्स का क्या मैसेज है आप सबके लिए। तो आप सिलेक्ट करिए इस पर्पल स्टोन में और इस व्हाइट स्टोन में किसी एक को, जो भी आपको इन दोनों में जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपना जो भी आपको पूछना है यूनिवर्स से जानना चाहते हैं वो सोचिए, थोड़ा मेडिटेट करें, आईज क्लोज करें। अब इन स्टोन्स को देखें और सिलेक्ट करें। ओके, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम शुरू करेंगे व्हाइट स्टोन से एंड देन वी विल मूव टू द पर्पल वन। तो आप सबने जिन्होंने व्हाइट सिलेक्ट किया है, हम पहले देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज यूनिवर्स का। ओके, सो लेट्स सी। एंड इन द मीन टाइम इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर ऑल माय फ्रेंड्स हु सिलेक्टेड द व्हाइट स्टोन। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर ऑल माय फ्रेंड्स हु सिलेक्टेड द व्हाइट स्टोन। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम देम? Is a message for them. Please give me the message for them. Okay. Let's pick out two more cards. Two cards aur nikalenge. One. Okay, this one. Two. Balancing, abandoned and judgment. So यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहा है कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आप एक सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर एक बात और है कि हो सकता है कि इस सिचुएशन को बैलेंस आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से करने की कोशिश करें, लेकिन यहां पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप उस पर्सन को या उस कंपनी को छोड़ने के चक्कर में हैं। हो सकता है आप उस कंपनी को छोड़ दें, क्योंकि दोनों ही के कार्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों कार्ड्स में कि कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है जिसको छोड़ करके आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब आप उस सिचुएशन में और ज्यादा नहीं रहना चाहते। तो यही आपने किया है आफ्टर जजिंग द सिचुएशन। हो सकता है काफी समय से आप एक क्रॉस रोड पे थे, दो सिचुएशंस के बीच में फंसे हुए थे और यूनिवर्स अभी आपको ये कह रहा है कि ऐसा मैसेज है कि आने वाले समय में आप इस सिचुएशन को लीव कर देंगे या इस सिचुएशन से आगे निकल जाएंगे आफ्टर जजिंग इट। सो लेट्स सी, आप इस सिचुएशन से जब बाहर निकलेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा या बेकार रहेगा। देखिए, अगर ये कोई कंपनी है और आप इस कंपनी को छोड़ना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ आपकी मेमोरीज होंगी इस कंपनी के साथ, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आप मिस कर सकते हैं इस कंपनी को। अगर कोई रिलेशनशिप है जिसको आप छोड़ने वाले हैं तो यूनिवर्स यहाँ कह रहा है कि आप मिस करेंगे उस रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं कि उस रिलेशनशिप को अभी ना छोड़ें या उस कंपनी को अभी ना छोड़ें और थोड़ा सा बैलेंस करें अपनी लाइफ को। और ये ही यहाँ पे एडवाइस है, क्योंकि अगर आप बैलेंस करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, फिर से बैलेंस का कार्ड यहाँ पे आया है। आप देखिए यहाँ पे एक तराजू है जैसा कि मैं कह रही थी, और यहाँ पे इसको बैलेंस करिए आप, ठीक है। तो टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है, आपको डिसीजन लेना होगा, आपको बैलेंस करना होगा सिचुएशन को। तो यहाँ पे लीविंग द सिचुएशन इज नॉट द सॉल्यूशन, लीविंग द रिलेशनशिप, लीविंग द कंपनी इज नॉट द सॉल्यूशन माय फ्रेंड्स। जिन्होंने ये व्हाइट स्टोन सिलेक्ट किया है उनके लिए मैसेज है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आप किसी कंपनी को, किसी रिलेशनशिप को, कुछ कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसको छोड़ के जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपने अबैंडन्ड फील किया है, कंपनी वालों ने हो सकता है किसी ने आपको बैकस्टैब किया हो कंपनी में जो कलीग्स हैं, या फिर आपकी रिलेशनशिप में जो पर्सन है उसने आपसे झूठ बोला हो, या कुछ ऐसी बात है कि आप उस रिलेशनशिप को, उस कंपनी को, उस जॉब को, जो भी वो चीज है उसे छोड़ के जाना चाहते हैं, बिकॉज यू फेल्ट अबैंडन्ड, आपने ऐसा फील किया। लेकिन यहाँ पे आपको कार्ड्स एडवाइस कर रहे हैं कि देखिए बैलेंस करिए, आप सिचुएशन को बैलेंस करिए, क्योंकि आपको डिसीजन लेना होगा। यहाँ पे भी जो कार्ड है टेम्परेंस कार्ड है, ये भी बताता है दो स्ट्रीम्स को बैलेंस करना। इसको छोड़ के मत जाइए, इस रिलेशनशिप को छोड़ के आप मत जाइए, ठीक है, क्योंकि वो आपको सिर्फ यहाँ पे सौरव देगा। अगर आप ये रिलेशनशिप छोड़ के जाते हैं तो आपको दुख मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो वाकई में चीजें सॉल्व होंगी और ये चीजें आपके बेटरमेंट के लिए रहेंगी। आपको यहाँ पे
कामयाबी भी मिलेगी। देखिए आप यहाँ पे छोड़ने के चक्कर में हैं, यू वॉन्ट टू लीव द रिलेशनशिप एंड यू नो गो समवेयर, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये ठीक नहीं रहेगा। अगर फिर भी अगर आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है तो आप थोड़े टाइम का ब्रेक ले सकते हैं। अगर कोई कंपनी में आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप एक हफ्ते का ब्रेक ले लीजिए। अगर आप कोई रिलेशनशिप में है तो कुछ समय के लिए आप स्पेस ले लीजिए, उनसे बोल दीजिए कि आई वॉन्ट टू बी अलोन फॉर सम टाइम। तो ऐसे कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसे गिव अप मत करिए। तो यू नीड सम टाइम, टेक सम टाइम टू हील, टेक सम टाइम टू गेन योर स्ट्रेंथ एंड देन यू कैन कम बैक अगेन, बिकॉज सी वी हैव द लवर्स कार्ड। इसके साथ यहाँ पे लवर्स कार्ड भी है, तो यहाँ पे और फिर है सक्सेस कार्ड। तो कंटिन्यूएशन में सब बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें सक्सेस कार्ड भी है, लवर्स कार्ड भी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इस रिलेशनशिप पे रुकते हैं, एक ब्रेक ले लीजिए आप, तो एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का कुछ ब्रेक ले लीजिए, बीच में गैप कर दीजिए, लेकिन इसको छोड़ के मत जाइए चीज को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यू हैव टू बैलेंस। सो ये आपके लिए मैसेज है, डोंट लीव द प्लेस, डोंट लीव द सिचुएशन, वट एवर द सिचुएशन इज, बी इट योर जॉब रिलेशनशिप, डोंट लीव इट। रैदर देन दैट टेक अ ब्रेक, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी और आपके फेवर में ही रहेगा सब कुछ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द पर्पल स्टोन। उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का? प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द पर्पल स्टोन। लेट्स सी, लेट्स टेक आउट 3 कार्ड्स फॉर यू माय फ्रेंड्स। ओके, ट्रैवलिंग, स्ट्रेंथ, समवन इज वेरी वेरी बिजी। ओके, तो यहां मुझे लगता है कि आप यहां पे यू आर वेरी स्ट्रांग। फर्स्टली तो आप बहुत स्ट्रांग हैं, और यहां पे कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको इंपॉर्टेंस उतनी यहां पे नहीं देता। कहीं ना कहीं ये बिकॉज 9 of Swords यहां पे है, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, बहुत टेंशन है, लेकिन यहां पे आप काफी स्ट्रांग मुझे लग रहे हो। मुझे लगता है जो भी ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जिन्होंने पर्पल स्टोन सिलेक्ट किया है, तो इस प्रॉब्लम को आप बहुत स्ट्रांगली हैंडल करने वाले हो। आप स्ट्रेंथ है आप में, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, और क्योंकि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा परेशान हो आप, तो यहाँ मुझे लगता है कि आप मूव ऑन कर सकते हो इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आप काफी स्ट्रांग फील कर रहे हो। आप स्ट्रांग हो और आप यू कैन जस्ट लीव द रिलेशनशिप और द कंपनी। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, तो चलिए थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं, क्या ये चीज है, किस चीज से आप लोग स्ट्रेस्ड हो, क्या यूनिवर्स हमें बताना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन का टाइम है आपका, रिलेशनशिप सेलिब्रेशन एंड 4 of Cups। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है, और यहाँ पे रिलेशनशिप का कार्ड है, साथ में सेलिब्रेशन है। तो यहाँ पे आप अगर ये जो भी पर्सन है जो आपको सरदर्द दे रहा है इस समय, इसको अगर छोड़ के जाते हैं इस पर्सन को, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियर है कि बिकॉज दिस इज 9 of Swords हेयर, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको बिल्कुल सप्रेस कर रखा है, जिसने जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस्ड हैं आप। तो ये जो आपकी लाइफ की कंडीशन है, स्ट्रेस और एंजाइटी है आपको, इससे आपको बाहर निकलना है। और यहाँ पे आप अब बहुत स्ट्रांग लग रहे हो, सकता है 2021 में आपने कुछ रेजोल्यूशंस बनाए हो और ये उसी का कारण है कि आप यहाँ बहुत स्ट्रांग लग रहे हो, एंड यू जस्ट वॉन्ट टू लीव दिस पर्सन, लीव दिस रिलेशनशिप और दिस कंपनी, वट एवर दिस थिंग इज विच इज बॉदरिंग यू, एंड यू नो वट, समथिंग न्यू इज वेटिंग फॉर यू, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मे बी अ न्यू जॉब इज वेटिंग फॉर यू। और साथ ही साथ में यहाँ सेलिब्रेशन सक्सेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप अगर किसी सिचुएशन को, किसी कंपनी को, किसी भी चीज को छोड़ के जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे कार्ड आपके लिए आए हैं। और यहाँ 4 of Cups है, तो आपको बिल्कुल भी निराश यहाँ पे नहीं होना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 4 of Cups आपके जो आए हैं, ये आए हैं इस पर्सन से कनेक्ट होकर के, जो भी ये चीज आपकी लाइफ में थी उसकी वजह से आप डिप्रेस थे, काफी परेशान थे, लेकिन अब आप डिसीजन लेंगे एंड यू विल जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम दिस कंपनी, बिकॉज यू हैव रियलाइज दैट यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स आपको देने वाला है आने वाले समय में, एंड यू हैव रियलाइज दैट थिंग, सो डेफिनेटली यू आर जस्ट लीविंग दिस सिचुएशन। आप निकल गए हैं जर्नी पे, अपने आगे के सफर पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रिलेशनशिप का कार्ड है, कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में, न्यू पर्सन आ सकता है, या फिर कोई जो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है, कुछ भी ऐसा जिसको जो आप चाहते हैं वो यहाँ पे होगा। और यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आप छोड़ दीजिए उस पर्सन को, उस कंपनी को, उस जगह को जो आपको स्ट्रेस यहाँ पे दे रही है, क्योंकि उसको जब आप छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको सेलिब्रेशन है, यहाँ पे आपकी विक्ट्री है और आप बहुत स्ट्रांग हैं।
तो बहुत अच्छे कार्ड्स आपके आए हैं, तो यूनिवर्स इज गिविंग यू एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है आने वाले समय में, ये है मैसेज यूनिवर्स का। तो जो भी आपका फील्ड है, आपको हर जगह पे यहाँ पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको और उसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं, तो आप स्ट्रेस्ड ना हो, क्योंकि समय अब चेंज होने वाला है और आपको जो यूनिवर्स है वो सपोर्ट करेगा, आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आपको सेलिब्रेशन का समय आ चुका है। तो वेरी गुड रीडिंग फॉर यू ऑल माई फ्रेंड्स हु सिलेक्टेड द पर्पल स्टोन, एंड आई होप यू लाइक द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड इफ योर सिचुएशन इज बिट डिफरेंट, अगर आपकी सिचुएशन इससे कुछ अलग है एंड यू वॉन्ट अ पर्सनलाइज रीडिंग, देन यू कैन व्हाट्सएप मी, नंबर इज 9899000366। यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। जय श्री राम, जय भारत।